हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। फिर इस वीडियो में बात करने वाले कैपजेमिनी का आपका सिलेक्शन मेल और लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में, कंप्लीट में डिटेल्स में कि हाउ टू एक्सेप्ट एलओआई, कैपजेमिनी 28 कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस, हाउ अप टू विच सेमेस्टर मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट, इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट वॉच टू क्लियर ऑल योर डाउट। फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। उससे पहले आप लोग वीडियो को इन तक पूरा जरूर देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेरीज वगैरह आ रहे थे कैपजेमिनी को लेकर मैं सॉल्व कर दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर आप लोग इसे मेल देखने को आ गया होगा। आप बहुत तो बोलेंगे सर मुझे अभी तक कुछ भी मेल देखने को नहीं है। देखो फिर एक बार यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, आपका सुपरफेट प्रोफाइल ऑफर शो करे या ना शो करे या फिर एक महीना डिले हो रहा है, दो महीना डिले हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। देखो हम लोग हमेशा एक ही फोकस करना कि अगर आपका इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका ऑफर शो कर रहा है तो आपको एलओआई का मेल जरूर आएगा। इसमें आप लोग श्योर रहना। सर कितना दिन लग सकता है, मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट आपका एक से डेढ़ महीने समय लगता है, किसी किसी का 10 दिन में आता है, किसी किसी का 5 ही दिन में आता है, किसी किसी का 2 ही दिन में आ जाते हैं। तो ये डिपेंड्स भी करता है, ठीक है। इस पर हम लोग एक प्रिडिक्शन लगा नहीं सकते कि कितने दिन में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आएगा जरूर, जिनका भी ऑफर शो कर रहा है आएगा, आई एम 100% श्योर। कैपजेमिनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन यू ऑन योर सिलेक्शन एंड प्रेजेंट यू आवर लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। तो मैं हल्का सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को सब क्लियर में समझ में आ जाए। फ्रेंड एट कैपजेमिनी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी सब कुछ मेंशन किया हुआ है। एज अ नेक्स्ट स्टेप इन टेकिंग योर कैंडिडेचर अहेड प्लीज गो टू द जॉब प्रोफाइल टैब एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द लेटर ऑफ इंटेंट। सबसे पहले फिर आप लोगों को पता हो, फिर आप लोगों ने जब कैपजेमिनी में अप्लाई किया एजेंसी प्रोजेक्ट प्रोफाइल से, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया और सारा कुछ अपने अपडेट्स वगैरह। वहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब जैसे आप जॉब प्रोफाइल में ऑप्शन में जाते हो, वहाँ पर आपको 2 टैब देखने को मिलते हैं। पहला आपको आएगा कि आपका जो है आपका ऑपरेटर शो करेगा, वहाँ पर आपको वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन का एक डैशबोर्ड आएगा, आपको उसे सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपल टू एक्सेप्ट है, आपको सिंपल वहाँ पर रीड वगैरह करना है, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए तो इसका लास्ट कंप्लीट मेंशन भी किया जाता है कि लाइक वी रिक्वेस्ट यू टू इंश्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एज वेल एज अपडेट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड आस्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोसेस ड्यूरिंग बिफोर July 18, 2021, ठीक है। टू इंश्योर ईज ऑफ द प्रोसेस ई प्लीज फाइंड द बिलो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द प्रोसेस। पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, SSC 10th और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हो या फिर अपना रिजल्ट भी दे सकते हो। ग्रेजुएशन मार्कशीट आपका लगने वाला है, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री अगर आपके पास है तो ही। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास इस सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है तो क्या करूँगा। देखो आप लोग पास जितने भी ईयर तक का सर्टिफिकेट्स हैं समय अप टू 7th सेमेस्टर तो वहाँ तक आप लोग सिंपल अपलोड कर दो। जो आपके पास नहीं है आप लोग वहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपका ब्लैंक भी सबमिट नहीं होता है तो वहाँ पर आप लोग 7th सेमेस्टर का भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। फिर बाद में आपके कैपजेमिनी को मेल कर देना, इस चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन ज़्यादातर आपको चांसेस है कि आपका बिना अपलोड के भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है वहाँ तक आप सबमिट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट साइज वोटर आईडी कार्ड आपका एक में होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने किया होगा 10th के बाद तो ही आपका एप्लीकेबल है, तो अपना 12th का भी दे सकते हो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने किया होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट इफ एप्लीकेबल अगर आपने किया होगा तो। प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। तो बहुत लोग होते हैं कि जो 12th के बाद डिप्लोमा करते फिर अपना BE/BTECH करते, तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको डिप्लोमा का भी अपलोड करना होगा। सर डिप्लोमा का कैसे अपलोड करें? सर डिप्लोमा का आप लोग 11th 12th की जगह पर अपलोड कर, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की जगह पर आप लोग अपलोड कर देना डिप्लोमा का, और सेकेंड सेमेस्टर से अप टू 8th सेमेस्टर अपना अपलोड कर देना ग्रेजुएशन का, ठीक है। आगे बात करते हैं। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल कंप्लीटिंग द प्रोसेस। मार्कशीट शुड बी स्कैंड एंड अपलोड सेमेस्टर ईयर वाइज ओनली। आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे आपको अपलोड करना होगा। सारा आपका स्कैन होना चाहिए। मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर मिल जाता है, आप वहाँ से स्कैन कर सकते हो। अगर आपके घर में प्रिंटर तो प्रिंटर से कर सकते हो, आप अगर दुकान है दुकान से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा मोबाइल से करना। बहुत सारे ऐप्स आपको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्कैन का ऑप्शन दे देते हैं। काइंडली इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट आर क्लियरली स्कैन एंड अपलोडेड इन PDF, JPG, PNG फॉर्मेट ओनली। मैक्सिमम साइज पर सारे भी होने वाला था। फाइल नॉमिनेचर शुड बी फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, डॉक्यूमेंट नेम। देखो फ्रेंड्स आप अपलोड कर रहे हो 8th सेमेस्टर का रिजल्ट, तो आपका होगा आपका नाम मान राहुल कुमार, आपका नाम है राहुल कुमार, फिर 10th मार्कशीट राहुल कुमार, 12th मार्कशीट राहुल कुमार, ऐसे आपका आएगा आधार कार्ड ऐसे वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पर कुछ आपको लिंक भी दिया रहेगा कि काइंडली रिफर टू द बिलो एग्जांपल फॉर डॉक्यूमेंट नॉमिनेचर। एग्जांपल 1, राहुल सिंह इज करेंटली 7th सेमेस्टर इंजीनियरिंग फ्रॉम ABC कॉलेज। द डॉक्यूमेंट राहुल वुड बी अपलोड एज अ फॉलो। आपको सिंपल इस लिंक पर क्लिक करना, आपको सामने एक फॉर्मेट आ जाएगा कैसे आपको अपलोड करना होगा। इसी तरह से आपका अर्नब का भी देखेंगे, फिर आपका सेकेंड ईयर ऑफ द देखेंगे। अर्नब चक्रवर्ती इज करेंटली इन 7th सेमेस्टर इंजीनियरिंग फ्रॉम ABC कॉलेज। ही हैज जॉइंड ABC कॉलेज वाया लेटरल एंट्री इन सेकेंड ईयर ऑफ हैविंग हैड डन डिप्लोमा आफ्टर SSC। द डॉक्यूमेंट्स अर्नब वुड बी अपलोड एज अ फॉलो। आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर देखने को सब कुछ मिल जाएगा।
Aditya Sharma is currently fourth year semester MCA from ABC College. The document Aditya would be uploaded as a follow. Tanvi Sharma has a completed her graduation from ABC College. The document Tanvi uploaded as a फॉलो, ठीक है, आपको इस तरह देखने को सब कुछ मिल जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप मैंने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। ठीक है, आप टू विच सेमेस्टर आपके पास जितना भी सेमेस्टर का रिजल्ट है आप लोग वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया फ्रेंड आपको। ठीक है, अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हुआ कैपजेमिनी को लेकर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। होप करते वीडियो को फ्रेंड में अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।